तो आज हम बनाएंगे खट्टा पालक दाल फ्राई। ये दिखने में नॉर्मल पालक की तरह होता है लेकिन खाने में टेस्ट इसका खट्टा होता है, इसलिए इसे खट्टा पालक कहा जाता है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बंच खट्टा पालक ले लिया। आप देख सकते हैं नॉर्मल पालक की तरह दिखता है पर इसका टेस्ट खट्टा होता है। तो इसे हम सबसे पहले वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे वॉश कर लिया और अब हम इसे रफली कट कर लेंगे क्योंकि ये इजीली एकदम पक जाता है। और अब मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है और एक कप तूर दाल मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया है और अब हम इसमें कटे हुए खट्टा पालक को इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें 3/4 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और 2/3 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और इसमें 1.5 ग्लास पानी डाल के इसे मीडियम फ्लेम पे 3 विसल आने तक हम इसे पका लेंगे। और अब 3 विसल हो चुके हैं, दाल और खट्टा पालक बहुत अच्छे से पक चुका है आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन पे 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और यहाँ पे मैंने 5 लहसुन ले लिया जिसे बारीक कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने 1/2 टेबलस्पून सरसों ले लिया है और 3 लाल मिर्च। और अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और हम तड़के को दाल में डालेंगे। और अब हम तड़के को मिक्स कर लेंगे और हमारा खट्टा पालक दाल फ्राई बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।